मुलाकातें कितनी हुई, मुलाकातें कितनी हुई कितनों से ही, मगर वो एक शख्स कमाल था, मगर वो एक शख्स कमाल था। वो तो पहली मुलाकात थी उस शख्स से, वही शख्स दोबारा मिलता तो फिर बवाल था। उसके पैरों की आहट सुनाई देती है, उसकी पायलों की छनछनाहट सुनाई देती है, उसकी चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है, उसके पैरों की आहट सुनाई देती है, उसकी पायलों की छनछनाहट सुनाई देती है, उसकी चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। और जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है, वो मुझे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है। मैं एक पोइम सुनाता हूँ जिसका टाइटल है मेरी शर्ट उसकी पसंद। कि हम अक्सर एक बात पर लड़ जाया करते थे, हम अक्सर एक बात पर लड़ जाया करते थे। वो मुझसे अक्सर फरमाइश करती कि आज तुम ब्लैक शर्ट पहनना, आज तुम वाइट शर्ट पहनना, आज तुम स्टेन कोलर शर्ट पहनना, और जिस दिन मुझसे मिलने आओ उस दिन तुम पिंक शर्ट पहनना। और जिस दिन मैं ना रहूं शहर में, जिस दिन मैं ना रहूं शहर में, उस दिन मेरे पसंद की शर्ट बिल्कुल मत पहनना। जब मिलने जाता तो मैं ठहरा मंदबुद्धि, मैं अक्सर भूल जाता कि इस दिन कौन सी शर्ट पहन के जानी है। खैर टाइम कम होता तो हम मिल तो लेते, लेकिन जब हम आखिरी पलों में एक दूसरे के हाथ छुड़ाकर अपने अपने घरों को लौट रहे होते, तब उसका फोन आता और वो कहती कि सुनो तुम खुद को समझदार समझते हो, आज के बाद कभी पिंक शर्ट पहन मत लेना वरना मैं आग लगा दूंगी, और वो ब्लैक शर्ट तो कभी नहीं वरना तुम्हें और तुम्हारी शर्ट में आग लगा दूंगी। जैसे आप सब चुप हो मैं भी चुप, भाई क्या कहूँ यार। मैंने कहा चलो सॉरी। खैर सारी कहानी सुनाने से अच्छा है कि मसला ये है कि ये झगड़े अब क्यों नहीं होते हैं। हम अब भी तो वही है, वही तो शक्लो सूरत तुम्हारी है, वही तो मेरी है। क्या उसे मालूम होगा कि मैंने कब उसकी पसंद की वो शर्ट पहनी थी, और अगर उसने नोटिस किया भी था मैंने पहनी भी थी तो क्या मैंने उसकी पसंद का वो हल्का परफ्यूम लगाया था, और लगाया था तो क्या उसे पसंद है, तो क्या उसे मालूम है कि मैंने उसकी पसंद की शर्ट को शर्टिंग किया था जो उसे मुझ पर बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर सारी कहानी सुनाऊं उससे ज़रूरी बात यह है कि मसला ये है कि ये झगड़े अब क्यों नहीं होते हैं, ये फरमाइशें अब क्यों नहीं की जाती हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार।